मैं आपको सिखाने वाला हूँ बड़े प्लेयर का खेल, आप इसको टेक्निकल ग्लिच भी कह सकते हो एनएससी के अंदर। जैसा कि न्यूज़ में आया था कि एनएससी का प्राइस आज फ्रीज हो गया। देखो क्या होता है, फ्रीज में क्या हुआ ना, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला आज के दिन, ये सबको पता था कि गैप डाउन खुलेगा मार्केट, बट इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा ये अंदाजा नहीं था किसी को। ठीक है, अगर यहां कहीं खुलता डाउन तो हम शॉर्ट कर देते और प्रॉफिट कर लेते, ठीक है, बट इतना बड़ा खुला तो इनिशियली ट्रेड को अवॉइड करना था। बट चलो यहां तक तो बात सही है, उसके बाद कहां ट्रेड करना था, उसके बाद हमें ब्रेकआउट का वेट कर सकते थे इसके ऊपर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये कैंडल आप देख पा रहे हो, ये कैंडल देखो ध्यान से, ये है क्या? न्यूज आई मार्केट में एनएससी का प्राइस फ्रीज हो गया, अपडेट नहीं हो पा रहा है, और अचानक से जब प्राइस अपडेशन चालू हुआ ऊपर खुला और ये सेल ऑफ दिखी यहाँ पर, तो रिटेलर्स को बर्बाद किया गया है कि नहीं? यहाँ पर जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने तो एग्जिट ले लिया स्टॉप के ऊपर, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? बड़े प्लेयर यहाँ से निकल गए और छोटों को यहाँ पर फिर से फंसा दिया और मार्केट को कभी ऊपर जाने ही नहीं दिया इसके बाद। ये ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो आप इस चीज़ को? यहाँ पर जो फंस गए थे, बड़े बड़े शाख फंस गए थे, वो निकल गए यहाँ से। ठीक है, एनएससी ने बोल तो दिया ये टेक्निकल ग्लिच है, हो भी सकता है भाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट किया है। ठीक है, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद देखो, इसके बाद भाई जो समझदार बंदे थे सिस्टम को क्लोज किया और घर पे चैन से सोए, बट तब भी ट्रेड लेना था तो ये एक डब्लू पैटर्न बना था प्राइस एक्शन वाला, ये देखो। लेकिन इतना कुछ मिला नहीं आपको आज के दिन, देख पा रहे हो इतना सा मूवमेंट हुआ यहाँ पर, तब भी प्रॉफिटेबल रहा होगा जिसने भी ट्रेड लिया होगा इसके ऊपर। ऑल्दो निफ्टी फिफ्टी में इस कैंडल को ये जो बड़ी वाली बनी है इसको देखते ही मैंने क्लोज कर दिया सिस्टम को। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक सही हाल था, गैप डाउन, इनिशियली ट्रेड को अवॉइड करना था, यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट कहीं आया, उसके बाद प्राइस फ्रीज हुआ एनएससी का, ये देखो यहाँ पर काफ़ी देर तक प्राइस फ्रीज रहा, फिर खुला तो ऊपर खुला, समझ पा रहे हो चीज़ को? उसके बाद मार्केट ने फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ठीक है, जब निफ्टी के अंदर वैसे हालात बने ना इतनी बड़ी कैंडल वाली, उसके बाद से ही क्लोज कर देना था। जो सही ट्रेडर थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने मार्केट को क्लोज कर दिया जो काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे थे। बट अगर किसी को ट्रेड लेना था तो कहाँ ट्रेड ले सकता था? ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, ये चीज़ को देखो यहाँ पर, जो ये ब्रेकआउट आया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका। अगर आपने लिया भी होगा तो आपको तो आपका टारगेट भी नहीं मिला, उतना तो प्रॉफिट नहीं हुआ, उतना एसएल फेरेट हो गया आपका, यहाँ तो लॉस किया ही यहाँ पर आपने, और फिर यहाँ भी लॉस किया। तो यार इतना ह्यूज गैप डाउन हो जाए तो ट्रेड को अवॉइड कर दिया करो। यहाँ पर ऑपरेटर्स जो थे ना अपना एग्जिट लेकर के निकल गए इस जगह पर, तुम्हें फिर यहाँ फंसा गए नीचे की ओर, समझ गए, नीचे फंसा गए तुम्हें। तो यही चीज़ का ध्यान रखो, प्राइज एक्शन सीखो डेली, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, तो इंडिकेटर्स इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। इनिशियली सही होता है, बट जैसे जैसे ग्रो करोगे तो प्राइज एक्शन पे फोकस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।